दोस्तों ये है टाटा टियागो डीजल 2018 का मॉडल है और इस गाड़ी की कर रहे हैं हम सर्विस। तो सर्विस के लिए सबसे पहले इसका ऑयल ड्रेन करना होता है, तो हमने इसका ऑयल ड्रेन प्लग जो है 17 नंबर का जो होता है वो हमने खोल दिया है और ये हम खुलवा रहे हैं इसका ऑयल फिल्टर। तो ऑयल फिल्टर खुलकर आप देख सकते हैं बाहर आ चुका है अभी, और यहाँ पर लगे होते हैं इसके फ्यूल फिल्टर। तो फ्यूल फिल्टर हम खोलेंगे सबसे पहले जो इसका प्री फिल्टर होता है, जो फ्यूल टैंक से जो मेन पाइप जो आता है तो सबसे पहले इस फिल्टर पर आता है। तो हम सबसे पहला वाला फ़िल्टर खोलेंगे जो फ्यूल टैंक से सबसे पहले पड़ता है। तो फ्यूल फिल्टर दोस्तों खोलकर हमने बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और अभी खुलवाएंगे इसका हम सेंसर। तो सेंसर खोल के इसका जो अंदर का जो फ्यूल इसमें भरा हुआ है, जो डीजल इसमें भरा हुआ है, उसको बाहर निकालते हैं और देखते हैं किस कंडीशन में है। ये जो इसके अंदर से जो डीजल निकल रहा है आपको जो दिख रहा हुआ, तो डीजल के अंदर तो कोई भी कचरा नहीं निकला है, क्योंकि इसका डीजल जो है वो ज़्यादातर एक ही पेट्रोल पम्प पर इसका फ्यूल टैंक फुल कराया जाता है और एक ही जगह तेल डलाने का देखो दोस्तों ये भी फ़ायदा है। हालांकि ये फ़िल्टर का टाइम पूरा हो चुका है, इसको बदलना है हमें, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि इसके अंदर जो कचरा देखो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। हालांकि अभी इसको लगा देंगे चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि इसका टाइम पूरा हो चुका है तो हम इसको बदलेंगे। और दोस्तों इसका जो एसी का सिस्टम है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, यानी जो एसी ब्लोअर मोटर जो होती है, ब्लोअर मोटर जो होती है जिससे एसी वेंट में हवा जो आती है, तो वो हवा भी ठीक से नहीं आ रही थी। तो हमने इसका केबिन फिल्टर, जो एसी फिल्टर जो कहलाता है, वो खोलकर बाहर निकाला है। आप देख सकते हैं किस कंडीशन में है। इस पर बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारी धूल जमा है और यहाँ पर लगा होता है, ये मैं आपको दिखाने की थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, इधर अंदर की साइड में लगा होता है, तो अंदर भी काफ़ी गंदगी जमा है। इसको भी साफ़ करवाएंगे अच्छे तरीके से और ब्लोअर फैन मोटर खोल के उसको भी साफ़ करेंगे, तो तभी ये एसी सिस्टम ठीक से काम करने लगेगा। और इसके ब्रेक पैड जो है दोस्तों, ब्रेक पैड भी हम अभी खुलवा रहे हैं क्योंकि इसकी फुल सर्विस कर रहे हैं, तो फुल सर्विस में इसके ब्रेक वगैरह सभी चेक करना होते हैं। तो इसके ब्रेक पैड जो हम खुलवा रहे हैं, क्योंकि ब्रेक पैड भी दोस्तों इसके ख़त्म हो चुके हैं पूरी तरह से, दिखाता हूँ अभी आपको वीडियो में। तो ये इसके ब्रेक पैड आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल एंड पे हैं और अब इनको बदलना ज़रूरी है। तो अभी ये ब्रेक पैड भी हम सभी मंगवाएंगे ओरिजिनल और इसमें लगवा देंगे सभी पार्ट्स। तो फुल सर्विस करने के टाइम पे इसके ब्रेक पैड, एसी का सिस्टम और इसका सारे फिल्टर, सारे ऑयल, सभी कुछ बदलना होता है। तो हम इसकी फुल सर्विस कर रहे हैं और ये टाटा टियागो डीजल है, 2018 का मॉडल है। तो अभी इसके डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी वाला केबिन फिल्टर, वो सभी हमने खोल दिया है। और एसी फिल्टर की आप कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों, इस पर कितनी ज़्यादा गंदगी इसमें जमा हो गई है, इस वजह से भी जो एसी ब्लोअर मोटर की जो हवा है वो ठीक से नहीं आ पा रही थी। और एसी ब्लोअर मोटर जो है, ब्लोअर मोटर में भी काफ़ी गंदगी जमा है जिसकी वजह से मोटर भारी घूम रही है और वो साउंड भी कर रही है, तो उसको भी खोलकर साफ़ करेंगे। और ये फ़िल्टर हम सभी नए लगवाएंगे और सभी जितना भी पार्ट्स इसमें लगाएंगे टोटल टाटा का ओरिजिनल ही मंगा कर लगाएंगे हम इसमें। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये इसका एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर भी काफ़ी गंदा हो चुका है, इसके अंदर काफ़ी डस्ट इसमें जमा हो गई, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा हो गई है इसके अंदर, इसको भी हम चेंज करेंगे। और ये इसका ऑयल फिल्टर है, तो ऑयल फिल्टर तो जब भी कभी इंजन ऑयल बदला जाता है तो उसके साथ में ऑयल फिल्टर को बदलना ज़रूरी होता है। और सभी जो पार्ट्स हैं ज़्यादातर हमने ये मंगा लिए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं टाटा के ओरिजिनल पार्ट्स। इंजन ऑयल भी हमने टाटा का ओरिजिनल ही मंगाया है। तो चलिए एक तरफ से आपको दिखाते हुए चलते हैं अभी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंजन ऑयल है, ये हमने टाटा का ओरिजिनल मंगाया है, ये सिंथेटिक ऑयल है टाटा का और ये 4 लीटर है, और जबकि इसमें पड़ेगा 3.5 लीटर, तो 3.5 लीटर ऑयल हम डाल देंगे, बाकी जो बचेगा इसे इस कैन में रहने देंगे। बाकी ये ऑयल फिल्टर है सामने रखा हुआ है टाटा का ओरिजिनल। तो इस ऑयल फिल्टर की एमआरपी प्राइस और आप पार्ट नंबर भी देख सकते हैं। और ये रहा इसका फ्यूल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर भी हमने टाटा का ओरिजिनल मंगवा लिया है दोस्तों। और ये रही इसकी पैकिंग टाटा की, और इसका पार्ट नंबर और इसकी एमआरपी प्राइस भी आपको सामने की तरफ दिख रही होगी। तो जितने भी पार्ट्स हमने मंगाए सभी टाटा के, जैसे कि ये इसका ब्रेक फ्लूड है, जो ब्रेक ऑयल जो कहलाता है .4 का है, ये भी हमने टाटा का ओरिजिनल ही मंगाया है क्योंकि टॉप अप करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये मंगा लिया है। और बाकी ये इसका एयर फिल्टर है, ये भी टाटा का ओरिजिनल मंगवाया है। तो जितने भी पार्ट्स हमने मंगवाए हैं सभी टाटा के ओरिजिनल मंगवा लिए हैं। और एयर फिल्टर का जो पार्ट नंबर है, उसकी एमआरपी प्राइस है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊँगा। ये इसका एयर फिल्टर आपने देख लिया और इसकी एमआरपी प्राइस और इसका पार्ट नंबर वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी पार्ट्स हैं दोस्तों, सर्विस जब भी कभी कराएं, गाड़ी कोई सी भी हो, ये मतलब नहीं है कि टाटा की, कोई सी भी गाड़ी हो उसमें जब भी कभी सर्विस कराएं, सारे पार्ट्स एक तो कोशिश करें कि ओरिजिनल ही डलाएं और सही समय पर चेंज कराएं। तो ये इसका केबिन फिल्टर है, जो एसी फिल्टर कहलाता है, ये इसकी एमआरपी और इसका पार्ट नंबर
ये आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये सभी पार्ट्स हमने ओरिजिनल मंगवा लिए हैं और अभी गाड़ी में फिटिंग करवाएंगे। इतना सब डालने के बाद में गाड़ी में मज़ा आ जाएगा एकदम और गाड़ी बहुत मस्त चलेगी। तो याद रखें दोस्तों कि जब भी कभी सर्विस कराएं पार्ट सारे असली डलाएं और सर्विस हमेशा टाइम से कराना चाहिए। सर्विस कभी लेट ना करें, सर्विस टाइम से कराएं। तो अभी खुलवा रहे हैं दोस्तों इसके रियर ब्रेक शू, क्योंकि जब आगे वाले डिस्क पैड इस कंडीशन में निकले हैं तो रियर ब्रेक शू भी चेक करना ज़रूरी है। और मुझे नहीं लगता कि इसके रियर ब्रेक शू जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में निकलेंगे। तो अभी खुलवा रहे हैं इसको और खुलवा कर देखते हैं कि किस कंडीशन में है। अगर ब्रेक शू ख़राब हुए तो ब्रेक शू भी हम ज़रूर बदलेंगे और गाड़ी का पूरा फुल चेकअप ज़रूर करते हैं। जब भी कभी सर्विस के लिए गाड़ी आती है तो उसका पूरी गाड़ी का जनरल चेकअप किया जाता है, जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी चेक किए जाते हैं। और अभी ब्रेक शू जो हैं वो आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, ये ब्रेक ड्रम जो हमने निकाला है अभी, रियर ब्रेक ड्रम। तो रियर ब्रेक ड्रम जो है इसमें गड्ढा बना हुआ है और ये बाहर की तरफ एक किनारी थोड़ी उठी हुई है। और ब्रेक शू दोस्तों हालांकि बहुत ज़्यादा ख़त्म तो नहीं है, लेकिन बदलने की कंडीशन में ही लगभग थोड़ा टाइम और चल पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मान लो ये 5000 किलोमीटर मुश्किल से चल पाएंगे, उसके बाद भी बदलना पड़ेंगे। तो अभी जब हम इसकी फुल सर्विस कर रहे हैं तो ये वाले जो ब्रेक शू हैं ये भी हम बदलवाएंगे। अभी दूसरे वाले पहिए के भी खुलवाते हैं और हम दोनों पहियों के ब्रेक शू भी बदल देंगे। तो दोस्तों इसका जो फ्यूल फिल्टर हमने मंगवाया था टाटा का ओरिजिनल जो प्री फिल्टर है, तो इसको हमने अभी लगवा रहे हैं गाड़ी में। और ये जो फिल्टर हमने बदला है दोस्तों, ये जो फ्यूल टैंक से जो मेन पाइप आता है तो सबसे पहले ये वाला फिल्टर पड़ता है, पहला वाला पहले इस फिल्टर में जाता है डीजल, उसके बाद में इससे निकल के फिर दूसरे फिल्टर में इस वाले में आता है। तो क्योंकि ये पहला वाला फ़िल्टर एकदम क्लीन निकला, बिल्कुल साफ़ निकला है, तो इसको बदलने की हमें ज़रूरत नहीं है दूसरे वालों को। क्योंकि दोस्तों ये जो फ्यूल फिल्टर हैं इनमें एक खासियत ये भी है कि अगर आपकी कार का जो फ्यूल टैंक है, अगर आपका फ्यूल जो है एक ही जगह पर आप डलाते हैं सही जगह पर और साफ़ फ्यूल डलाते हैं इसमें, तो ये फ़िल्टर जो हैं लंबे समय तक चलते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो इनको इतना जल्दी बदलने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये फ़िल्टर जो हैं 30,000 किलोमीटर के ऊपर भी चल जाते हैं। तो ये है ऑयल फ़िल्टर। ऑयल फ़िल्टर जो है हर बार बदला जाता है, यानी कि जब भी कभी हमारी कार का इंजन ऑयल चेंज कराना है हमें तो ऑयल फ़िल्टर ज़रूर चेंज कराना है, क्योंकि यही होता है जो हमारे ऑयल को फ़िल्टर करता है, तो इसको ऑयल फ़िल्टर बोलते हैं। और ये हर बार इंजन ऑयल के साथ में बदलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ऑयल फ़िल्टर यहाँ पर लगाया जाता है कुछ इस तरह से। तो जो भी पार्ट्स हमने मंगाए थे सभी टाटा के ओरिजिनल ही मंगाए, जो कि आपको वीडियो में दिखाए हमने। और इस तरह से इसको ऑयल फ़िल्टर को यहाँ पर लगा कर और हल्के हाथ से इसको कस दिया जाता है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया जाता इसको। तो इसको लगाने के बाद में लगवाएंगे हम इसका एयर फिल्टर भी। दोस्तों ये है इसकी एसी ब्लोअर फैन मोटर। इसके जो पर हैं, परों पे काफ़ी गंदगी जमा हो गई थी, काफ़ी मिट्टी चिपक गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनको सबको साफ़ करवाएंगे अभी हम। और ये सब साफ़ करने के बाद में ब्लोअर फैन मोटर को बिल्कुल क्लीन कर देंगे, बिल्कुल साफ़ कर देंगे, उसके बाद हम इसे गाड़ी में फिटिंग करवा देंगे, तभी हमारा एसी सिस्टम ठीक काम करने लगेगा। और दोस्तों जब भी कभी आप अपनी कार की सर्विस करा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अपनी कार की जो बैटरी है, बैटरी का पानी जो है वो ज़रूर चेक कराएं। और अगर आप एक मैकेनिक हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि बैटरी का पानी सर्विस के टाइम पे ज़रूर चेक करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बैटरी जो है वो अंदर से इसके सेल जो है इसमें जो पानी होता है वो सूख जाते हैं और ये बैटरी सूखी चलने से बैटरी आगे चल के ख़राब हो जाती है। तो इसका हम बैटरी का पानी चेक करते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान से देखिए अंदर। तो आपको अंदर की तरफ जो दिख रहा है बिल्कुल सूखा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें बैटरी के अंदर ज़रा भी पानी नहीं है। इसके अंदर जितने भी सेल होते हैं सारे के सारे सूखे चल रहे हैं, और सूखे चलने से ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म पड़ के ये सेल हीट हो जाते हैं, तब जाते हैं और फिर आगे चल के ये बैटरी ख़राब हो जाती है अचानक से। तो सर्विस के टाइम पे दोस्तों बैटरी का पानी चेक करना ना भूलें, क्योंकि सर्विस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सर्विस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने इंजन ऑयल चेंज कर दिया, ऑयल फ़िल्टर चेंज कर दिया बस और हमारी सर्विस हो गई। सर्विस का मतलब होता है गाड़ी का जनरल चेकअप करना, गाड़ी में कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं सबका चेकअप एक मैकेनिक ही कर पाएगा, क्योंकि कार ओनर को ये सब बातें नहीं पता होती हैं, ना ही इतना समय होता है। तो जब भी कभी आपके पास में भी सर्विस के लिए गाड़ी आती है तो सर्विस में जनरल चेकअप सभी करें। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि लोकल के कुछ गाड़ी मालिक ऐसे होते हैं जो मैकेनिक को पूरा मेहनताना नहीं देते हैं, तो उस वजह से भी मैकेनिक इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो ध्यान रखें, मैकेनिक को पूरा मेहनताना दें।
तो अभी दोस्तों इस बॉटल के अंदर हमने डिस्टिल वाटर मंगा लिया है, और अगर आपको डिस्टिल वाटर नहीं मिलता आसानी से तो आप फिल्टर वाला पानी भी डाल सकते हैं, जैसे बिस्लरी है या किसी भी और भी कंपनी का भी, एक लीटर की बोतल लेके और इसमें सभी सेलों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना चाहिए। तो अभी बैटरी हमने लगा दी है दोस्तों गाड़ी में, बैटरी के सभी सेल में हमने पानी पूरा कर दिया था, और बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं ये वाले, तो सर्विस के टाइम पे इनको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, हमने रेगमाल लगाकर इसको साफ़ कर दिया, इन पे काफ़ी कार्बन जमा हो गया था। और दोस्तों अभी एयर फिल्टर का जो बॉक्स है जिसमें एयर फिल्टर लगाया जाता है वो हमने धोकर साफ़ करके इसमें लगा दिया है, और अब लग पा रहे हैं दोस्तों हम इसका एयर फिल्टर, क्योंकि एयर फिल्टर भी हमने टाटा का ओरिजिनल मंगवा लिया था। तो इसको अभी हम अच्छे तरीके से फिटिंग करवा रहे हैं एयर फिल्टर को, और बाकी के जितने भी पार्ट्स हमने खोले थे, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी केबिन फिल्टर, वो सभी हमने ठीक तरीके से फिटिंग करवा रहे हैं अच्छे तरीके से, और एक तरफ से सब कुछ चेक करते हुए चल रहे हैं कि गाड़ी में जो जो भी कमियां हैं उनको हम अच्छे तरीके से चेक करें, और चेक करके उन पर काम करके उनको दुरुस्त करें। और दोस्तों इसके फ्रंट डिस्क पैड और रियर ब्रेक शू ये हमने खुलवा दिए हैं सभी, आपको वीडियो में दिखाए थे भी, और ये हमने नए भी मंगवा लिए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये टाटा के ओरिजिनल रियर ब्रेक शू हमने इस डिब्बे में मंगवा लिए हैं। तो ये इसका पार्ट नंबर है और इसकी एमआरपी प्राइस है रियर ब्रेक शू की, जो कि टाटा के ओरिजिनल हैं। और बाकी हमने इसके फ्रंट ब्रेक डिस्क पैड जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं इस डिब्बे में आए हैं, ये रहे इसके फ्रंट ब्रेक डिस्क पैड, ये टाटा के ओरिजिनल हैं ये भी, और इनका पार्ट नंबर और इनकी एमआरपी प्राइस ये आपको इस डिब्बे पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो सभी पार्ट्स हमने दोस्तों टाटा का ओरिजिनल ही मंगाया था। और दोस्तों ये इसका रियर ब्रेक ड्रम है, रियर ब्रेक ड्रम में हमने लेथ वर्क इसमें करा दिया है, क्योंकि इसकी बाहर की जो किनारी उठी हुई थी तो हमने इसे ख़राब मशीन पर भेज के इसको एक्सा करा दिया है, और लगवाएंगे भी इसमें नए वाले ब्रेक शू। तो ये नए वाले जो ब्रेक शू हमने मंगाए थे दोस्तों वो हमने लगवा दिए हैं अभी, और ब्रेक शू लगाने के बाद में इसकी अच्छी तरीके से सफाई भी कर दी है, और लगवाएंगे भी रियर ब्रेक ड्रम इसके अंदर। और रियर ब्रेक ड्रम जो है वो पूरी तरह से तैयार है, इसको भी साफ़ कर लिया है, इसके अंदर जो धूल मिट्टी थी उसको भी निकाल दिया हमने, और इसमें हमने खराद का काम करा दिया है। खराद का काम कराने के बाद में और नए ब्रेक शू लगाने के बाद में अभी हम इसकी सेटिंग कर देंगे रियर ब्रेक की, तो ब्रेक की जो पकड़ बहुत अच्छे तरीके से आने लगेगी, और इसके जो पार्किंग ब्रेक हैं वो भी ठीक से काम करने लगेंगे। और दोस्तों ये इसकी एसी ब्लोअर फैन मोटर है, हमने जो आपको दिखाई थी वीडियो के स्टार्टिंग में, तो इसके जो पर हैं, परों पे कितनी ज़्यादा मिट्टी जमा थी वो हमने आपको शुरुआत में दिखाया था स्टार्टिंग में, तो अभी हमने इसके पर जो हैं इतने ज़्यादा साफ़ कर दिए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ब्लोअर फैन मोटर हमने नई मंगाई हो। तो इसके अंदर की जितनी धूल मिट्टी गंदगी जो इसके अंदर जमा थी, जिसकी वजह से ये भारी घूम रही थी, क्योंकि मिट्टी जब जमा हो जाती है परों के ऊपर तो ये मोटर भारी घूमने लगती है, और भारी घूमती है तो इसके राउंड भी जो है थोड़े कम हो जाते हैं और ये आवाज़ करने लगती है। और दोस्तों फ्रंट ब्रेक डिस्क पैड हमने इसमें लगवा दिए हैं, बाकी इसकी फ्रंट डिस्क रोटर जो हैं उस पर कोई लाइनिंग, कोई गड्ढे कुछ बने हुए नहीं थे, बिल्कुल फ्रेश है, इसको हमने ऐसे ही साफ़ करके और नए वाले डिस्क पैड इसके अंदर लगवा दिए हैं। और अब डलवाएंगे हम इसका इंजन ऑयल। तो दोस्तों अभी हम इसका इंजन ऑयल डलवा रहे हैं, और इंजन ऑयल डालने से पहले ऑयल ड्रेन प्लग जो है, जो चैम्बर की जो डार्ट है उसको लगाना होता है, तो वो हमने लगवा दिया अच्छे तरीके से। और ये 4 लीटर की कैन है जो कि टाटा का ओरिजिनल इंजन ऑयल है, सिंथेटिक ऑयल है, और इस गाड़ी में जो पड़ेगा, इस कार में जो पड़ेगा वो पड़ेगा 3.5 लीटर, तो 0.5 लीटर हम इसमें से बचा लेंगे, बाकी 3.5 लीटर इसमें टाटा टियागो में डाल देंगे। तो ये टाटा टियागो 2018 का मॉडल है, तो इस गाड़ी में 3.5 लीटर इंजन ऑयल पड़ता है। तो फाइनली सभी फिल्टर लगाने के बाद में इंजन ऑयल भी डाल दिया है, और इसमें कूलेंट थोड़ा सा कम था तो हमने अपने पास से इसमें टॉपअप कर दिया है, और अभी मैक्सिमम तक ये हो चुका है, तो ये सभी कुछ रेडी हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों साथ ही साथ घंटी वाले बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।